तो भद्रदुंगा के इस मतलब पवित्र अवसर पर हमारी भेंट होगी विधायक जी से हमारे, तो विधायक जी कुछ बोलना चाहेंगे। बस हम आइए भद्रदुंगा, लघु अर्धकुंभ हम यहाँ मना रहे हैं और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सभी लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पहला, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। तो दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ। आगे एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, निस्सू ब्लॉग उत्तराखंडी। तो देख सकते हैं आज का मौसम भी बहुत ख़राब है, यहाँ दो तीन दिनों से मतलब बारिश हो रखी थी तो आपसे नहीं मिल पाई, तो आज थोड़ा सा मतलब मौसम सही है तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूँ। तो ये देख सकते हैं मौसम मतलब बारिश वाला ही है, बस बारिश हुई नहीं है दो तीन दिनों से, हाल ही में ऐसी मौसम हो रखा है। तो आज सुबह सुबह ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, आज बज चुके हैं 6, तो मैंने सोचा आपसे जल्दी मिल लूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं मतलब एक नए कल्चर में। आपको तो आपने देखा है मेरे ब्लॉग में, बट आज थोड़ा अलग डिफरेंट होगा, मतलब बहुत सारे लोग आएंगे अलग अलग गांव से और नीचे साइड से भी आ रहे हैं, जैसे हो गया कर्मी हो गया और गाँव भी हैं, तो अभी मेरे को इतना पता नहीं है। और तो आप ये सुपी बैछम त्रसाल पत्यसार तलाई वगैरह ये सब आ रहे हैं, तो आज कर्मी और यहाँ दूर साइड से भी आ रहे हैं शायद कलश यात्रा में भद्रदुंगा, और हाल ही में होने वाला है अब आपको तो पता ही है बैसाख पूर्णिमा, तो आज 3 तारीख को वहाँ कलश यात्रा निकाली जा। तो भद्रदुंगा में मतलब हवन है मतलब यज्ञ, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं और मतलब हजारों में बाबा जी आए हैं दूर दूर से। तो आज मतलब मई 3 मई से मतलब 11 मई तक वहाँ यज्ञ होने हैं हवन, अलग अलग गांव के जाएंगे और भंडारा भी होगा, जिस गांव की बारी होगी वो भंडारा भी देगा, तो ऐसा हो रखा है इस बार, तो आप भी आइए ज़रूर। तो आपको तो पता ही है बैसाख पूर्णिमा है हमारी 5 तारीख को, तो आप सब आइए बैसाख पूर्णिमा देखने, और देख सकते हैं अब दूर दूर से लोग आने वाले हैं और मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो फिलहाल नाश्ता नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ है फिलहाल, अभी तो इतना लेट, और तो हम वहाँ आज कलश यात्रा में जा रहे हैं तो कलश यात्रा में नाश्ता करके नहीं जाएंगे हम, क्योंकि पवित्र माना जाता है नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो अच्छा होता है, तो हम करके नहीं जाएंगे, तो आप करिए। और आपसे विनती है कि आप हमारे यहाँ आइए हमारे भद्रदुंगा धाम में। तो आपको पता ही है हम कलश यात्रा में कैसे कल्चर में जाते हैं, अपने पहाड़ी कल्चर में पूरे। तो अभी थोड़ी देर में हमको रेडी होना है, 8 बजे तक हमको फुल रेडी होके रोड में जाने हैं, मतलब रोड से ही कलश यात्रा निकलेगी, अब सीधा वहाँ तक तो रोड चल ही गई है आपको तो पता ही है, तो जिसको पता नहीं है मैं बता देती हूँ। तब तो फटाफट से रेडी होते हैं मतलब थोड़ी देर के बाद, तो आपको हम जब रेडी हो जाऊँगे तब अपने पूरे गेटअप में तैयार होके दिखाती हूँ, तब तक के लिए बने रहें और ब्लॉग पूरा देखें। तो दोस्तों ये है हमारा आज का प्लान, ये हो गया ग्लोबन और इसमें मेरा मेकअप का सामान है और ये पिछौड़े आपको तो पता ही है घाघरा और ब्लाउज, तो ये आज मेरा है पहनने का लुक। तो दोस्तों हम रेडी हो गए हैं, अब जाने की तैयारी है और भी रेडी हो रहे हैं। तो ये दीदी भी हो गई है रेडी, दीदी का लुक देख सकते हैं, तो मेरा भी सेम ऐसी है। दीदी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, तो इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, सब हैप्पी हैप्पी हैं, सब नीचे दीदी लो और दीदी रेडी हो रहे हैं, तो हम तो पूरे कंप्लीट रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम जाने लग गए हैं दिव्या और मैं, तो ये रही दिव्या, तो हम जाने लगे। दिव्या फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे लुक में होगी, दिव्या कैसा लग रहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे लुक में है हमारे साथ, क्योंकि ये ज़्यादा हल्द्वानी रहती है, हल्द्वानी पड़ती है, तो फर्स्ट टाइम है। ये रहे हमारे यहाँ के कलश यात्रा में जा रहे हैं। तो
दोस्तों हम रोड में तो आगे हैं सब, ये हमारे गांव के तरसाल गांव के तो औरतों नहीं आए हैं फिलहाल, औरों को रुके हैं तलाई कंसात मतलब जहाँ कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं तो वो नहीं आए हैं, गर्मी से भी बताया था मैंने वो भी आ रहे हैं तो उनको रुके हैं फिलहाल, क्योंकि अभी तो हम रोड में खड़े हैं सब, किसी की फोटोग्राफी चल रही, कोई रील्स बना रहे तो मैंने भी बना लिए एक दो रील्स फोटो वगैरह। तो अब हम यहाँ से जाने लग गए हैं हमारे यहाँ के बस फिलहाल, और तो सब गाड़ी में आ रहे हैं। सो जस्ट हम लोग पहुंचे हैं पत्यासार गांव और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और लोगों के लिए, अभी हम सब यहाँ पे और यहाँ पे है आपकी निशा व्लॉगर। सो यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं हमारे गांव के। सो आपको कैसा लग रहा है कलश यात्रा का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको? तो ये हमारे दूर दूर से भी पहुँच गए हैं मुनार सॉन्ग और ये रहे हमारे तलाई के। यात्रा में बहुत ही मजा आ रहे हैं। पहुंचे हम पुल में पत्यासार पुल। तो कलश यात्रा में और भी रंग आ रहे हैं क्योंकि ढोल भी साथ में है। सब लोग रहते हैं, हम भी आ रहे हैं। हाय। तो आपको हमारे साथ मजा आ रहा होगा, हमको तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। जैसे कि इनके सबके सर में कलश रखे हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं सर में कितने अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों एक फ्रेंड मिली है मेरे को मुनार की। छपे लगे हुए
तीन दिन बारिश होने के कारण ऐसा मतलब रास्ता ऐसा और है, सबके घाघरे खराब। तो अब हम भद्रतुंगा धाम पहुंचने वाले हैं फुल नारों के साथ, गाना बजाना। और रास्ता पूरा कीचड़ कीचड़। हमारे पहाड़ का
एक अलग ही कल्चर है, एक इसको बोलते हैं काली पिछौरी बोलते हैं। अब बाबा जी के आश्रम के अंदर जा रहे हैं कलश यात्रा वाले, जिसके पास कलश है मतलब, वहां से तो स्नान करके आ गए हैं सब लोग। ये हिमाचल सर यहाँ पर पांचवें धाम के स्तर पर स्थापित होगी तो लोगों का स्वरोजगार भी बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ेंगे। लोकल वोकल भी यहाँ पर जो है समाज की प्रमोट होगी, जिसके साथ साथ धर्मस्थ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद आप सभी। हम घर जाने लगे, यहाँ के कार्यक्रम सब खत्म हो गए हैं तो बारिश भी होने लगी है, तो टाइम पर घर निकल लेते हैं हम सब। घर जाने लगे, बारिश भी होने लगी है, घर को भी निकलने लग गए।